इंडियन नेवी में स्पेशली एसएसआर पोस्ट के लिए लेटेस्ट जीके जीएस का सिलेबस क्या है? क्या इस बार नेवी एसएसआर में जीके जीएस के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ है या फिर नहीं? अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो वो क्या है? नेवी एसएसआर में जो भी जीके के क्वेश्चन पूछता है वो किस लेवल का होता है? वो इंटरनेशनल लेवल का होता है या फिर नेशनल लेवल का होता है? नेवी एसएसआर में जीके में कितना टॉपिक होता है और हर एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना आता है? नेवी एसएसआर में जो भी जीके क्वेश्चन पूछता है उसमें नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं? आखिरकार लेटेस्ट मार्किंग प्रोसेस क्या है? क्या कोई ऐसा ऑथेंटिक सीक्रेट तरीका है जिसे हम फॉलो करके कम टाइम में कम पढ़कर भी नेवी एसएसआर में स्पेशली जीके पोर्शन में फुल मार्क ला सकते हैं? अगर कोई सीक्रेट तरीका है तो वो क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली इंडियन नेवी के एस्पिरेंट हो और इस बार एट एनी कंडीशन इंडियन नेवी में एक सीट पाना चाहते हो तो इंडियन नेवी में जो एसएसआर का जीके पोर्शन कितना इम्पोर्टेंस होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप जानना चाहते हो कि नेवी एसएसआर स्पेशली जीके में कितना क्वेश्चन पूछता है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, प्लीज़ इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप नहीं करते हुए एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में स्पेशली लास्ट में एक ऐसा गोल्डन टिप्स दूंगा जिसे अगर आप फॉलो करके आपको बताऊंगा लगभग दो महीने या फिर ढाई महीने में आपको रिजल्ट में फर्क देखने को मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप न करते हुए एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बताने। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेवी एसएसआर में जीके क्वेश्चन किस लेवल का होता है, उसमें कितना क्वेश्चन पूछता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने ऑलरेडी नेवी एसएसआर में कितना सैलरी मिलता है, अलग अलग स्ट्रैटेजी जो चैप्टर है वो स्ट्रैटेजी क्या है, उसमें एज लिमिट क्या मांगा है, एज लिमिट कैसे कैलकुलेट किया था है, सब कुछ वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो इस वीडियो को देख लेने के बाद सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि वन बाय वन देख लेना। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और इस बार एट एनी कंडीशन नेवी एसएसआर में एक सीट पाना चाहते हो, ओके। अब आते हैं पॉइंट पर कि नेवी एसएसआर का जो जीके का पोर्शन क्या वो डबल ए से अलग होता है या नहीं? तो फ्रेंड्स, मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि नेवी एसएसआर एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है, डबल ए उससे भी थोड़ा बहुत टॉप लेवल का पोस्ट है, लेकिन दोनों में जीके पोर्शन और सभी पोर्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, ओके। तो वो सिलेबस क्या है प्लीज़ नोट डाउन कर देना, क्योंकि उसी सिलेबस में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा, ओके। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करना चाहूँगा कि सिलेबस में कितना क्वेश्चन पूछता है, हर एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना होता है। तो फ्रेंड्स, नेवी एसएस का जो जीके का क्वेश्चन होता है उसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछता है। हर एक क्वेश्चन का वैल्यू अगर आप करेक्ट करते हो तो एक होता है, अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो आपके लिए तो गुड लक बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये बात ध्यान में रखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितना क्वेश्चन आए तो करो, करेक्ट करो, अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए तो भी टिक मार के आ जाओ। क्योंकि एक स्टोरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, दो मिनट का है। मेरा एक फ्रेंड था लगभग 2018 में, उसने यही किया था कि पढ़ाई उसने अच्छा खासा नहीं किया था, वो इतना भी आइडियल स्टूडेंट नहीं है। उसने क्या किया, जो क्वेश्चन आया या फिर नहीं आया वो सब कुछ करेक्ट करके आ गया था। उसने सोचा था मेरा नहीं होगा, लेकिन उसका लक इतना अच्छा था, जितना भी मारा था क्वेश्चन, मतलब जितना क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया था लगभग 90% क्वेश्चन सही हो गया और उसका भी सिलेक्शन हो चुका है। यह है नेवी एसएसआर में जो प्लस पॉइंट की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जीके पोर्शन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 25 क्वेश्चन पूछेगा, आपको 25 क्वेश्चन करेक्ट करके आना है या अटेम्प्ट करके आना है, ये बात ध्यान में रखो। अब आते हैं सिलेबस, प्लीज़ पेन और पेपर लेके आना, नोट डाउन करना जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। फर्स्ट है डिफेंस एंड वार्स, जो भी लेटेस्ट डिफेंस और वार है उसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है नेबर्स, हमारे जो पड़ोसी मतलब कंट्रीज है या फिर पड़ोसी स्टेट्स है उनके बारे में पूछेगा, मतलब चार ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा कौन सा हमारे इंडिया का नेबर्स है या फिर नहीं, ये बात ध्यान में रखो, इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। थर्ड है करंट अफेयर्स, फोर्थ है इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, जो भी नेशनल फैक्ट्स वो। फिफ्थ है इंडियन हेरिटेज, सिक्स्थ है आर्ट्स डांस हिस्ट्री, सेवन्थ है नेशनल लैंग्वेज और बार्स सॉन्ग, जो भी नेशनल लेवल का बार्स होता है सॉन्ग होता है वो पूछेगा। और स्टेट वाइज भी पूछेगा कि यूपी का
मतलब नेशनल बार्ड क्या है या फिर स्टेट बार्ड क्या है, इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सॉयल, सिल्वर, माउंटेन और कल्चर, रिलीजन, डेंसेस, अवार्ड, ऑथर, इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है चैंपियनशिप, मतलब कौन सा चैंपियनशिप हुआ है और आईपीएल इस तरह के, मतलब क्रिकेट के बारे में और क्रिकेट जो भी प्लेयर है उनके बारे में, ये फॉर एग्जांपल विश्वनाथ आनंद वो किस खेल में मतलब रिलेटेड है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है डिजीज एंड न्यूट्रिशन, एक डिजीज देगा वो पूछेगा उसकी वो वायरस है या फिर प्रोटोज है किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है स्पेलिंग्स, आपको स्पेलिंग देगा आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ये है जो मैन इम्पोर्टेंट इतना सिलेबस आता है आपको नेवी एसएसआर, ये बात ध्यान में रखो। और नेवी एसएसआर, नेवी डबल एमआर में सभी में सिलेबस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, इतना ज़्यादा नहीं। ओके, अब आते हैं सीक्रेट स्ट्रैटेजी, जिसे मैं बताऊंगा, मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे आप कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंट्रेंस क्रैक करना दो तरीके से होता है, फर्स्ट है स्मार्ट वर्क, सेकेंड है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कहाँ पर होता है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर आप सोच रहे हैं मेरे पास एक साल या फिर दो साल है, ओके, तब आप सारे सिलेबस कवर करो, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओ, 25 में से क्वेश्चन 25 ठीक करके आ सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास 3 महीने मैक्सिमम टू मैक्सिमम है या फिर उससे कम है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क क्या है, मेरे बात को ध्यान से सुनो, जो बता रहा हूँ अच्छे से नोट डाउन करो। फर्स्ट है आपको 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल 2022 में एग्जाम है, आपको 2021, 2020, 2019 इन 3 साल का प्रीवियस ईयर कलेक्ट करना है। अगर आप कलेक्ट नहीं कर पाते हो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको जल्द हेल्प करूँगा। ओके, 3 साल का प्रीवियस ईयर कलेक्ट करना है, उसमें जितना भी जीके क्वेश्चन पूछा है आपको सभी क्वेश्चन को रट्टा मार देना है फास्ट। नेक्स्ट है उसी क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, उसके इर्द गिर्द जितना भी क्वेश्चन बन पाता है उससे अच्छे से क्लियर करो, तभी जाके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग 25 में से आपको लिख के दे सकता हूँ 16 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, मतलब घुमा फिरा के उसी में से ही क्वेश्चन पूछेगा, और जो 8 क्वेश्चन है वो अलग ही लेवल का होता है। अगर आप 16 क्वेश्चन भी अच्छे से करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मान कर। ओके, अब मैं बताऊँगा जो कुछ चैप्टर्स प्लीज़ नोट डाउन करना, अगर आप उन चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लोगे आपका सिलेक्शन होना 100%। तो वो चैप्टर क्या है ध्यान से सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करंट अफेयर्स 3 महीने या फिर 6 महीने आप ले सकते हो, करंट अफेयर अच्छे से रट्टा मार देना है फर्स्ट। करंट अफेयर्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आता है, 25 में से 15 क्वेश्चन वहाँ से आता है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ओके, अब जब बताऊँगा नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनो कि जो भी लेटेस्ट, ओके, मतलब अगर कोई भी ओलंपिक हुआ है और ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल देता है, बेसिकली नेवी एसएसआर में गोल्ड मेडल को ज़्यादा फोकस दिया जाता है, उसी लेवल का टारगेट करो, मतलब जो भी लेटेस्ट चल रहा है उसी लेवल का क्वेश्चन करो, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आएगा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो जितना सिलेबस मैं आपको बताया उतना पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर टाइम नहीं है, लेटेस्ट जो भी है ट्रेंडिंग है उसे पढ़ो, मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन करो उतना में आए, आपका 25 में से 25 क्वेश्चन हो जाएगा। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये बात ध्यान में रखो। और हाँ, अगर कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको जल्द से जल्द हेल्प करूँगा। आज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।